हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य की दृष्टि से आदर्शवाद का क्या योगदान है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे शिक्षा के उद्देश्य की दृष्टि से आदर्शवाद का योगदान के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आदर्शवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करता है। फर्स्ट पॉइंट है पूर्णता की ओर उन्मुखता। आदर्शवाद मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को आत्मज्ञान और नैतिक पूर्णता की ओर ले जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं मानता, बल्कि इसका लक्ष्य व्यक्ति की पूर्णता और नैतिक उन्नति है। सेकेंड पॉइंट है आध्यात्मिक और नैतिक विकास। आदर्शवाद शिक्षण में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के विकास पर जोर देता है। इसका मानना है कि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च नैतिक और आध्यात्मिक मानक प्राप्त करने चाहिए। तीसरा पॉइंट है विचारों और सिद्धांतों की महत्वपूर्णता। आदर्शवाद में विचारों और सिद्धांतों को महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शिक्षा को केवल व्यवहारिक ज्ञान तक सीमित नहीं मानता, बल्कि यह मानता है कि विचारशीलता और सिद्धांतों की गहरी समझ भी आवश्यक है। चौथा पॉइंट है वर्गीकृत और सुव्यवस्थित शिक्षा। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा को एक सुव्यवस्थित और वर्गीकृत ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी उच्चतम आदर्शों और मूल्यों को समझ सके और उनका अनुसरण कर सके। पांचवा पॉइंट है शिक्षक की भूमिका। आदर्शवाद में शिक्षक को ज्ञान और नैतिकता का आदर्श प्रतिनिधि माना जाता है। शिक्षक का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन के आदर्शों और उच्च मानकों की ओर मार्गदर्शन करना भी है। इस प्रकार आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्यों को केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं मानता, बल्कि इसके द्वारा व्यक्तियों के नैतिक आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास की दिशा में भी योगदान करता है। सो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियोज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो पाठशाला क्लब पर ज्वाइन बटन को क्लिक करें, वहाँ आपको BEd फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का PDF मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।